एसकेजी एवीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अनसोल्ड स्टॉक की गणना किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंसाइनर द्वारा जब कंसाइनी को माल भेजा जाता है तो कंसाइनी के पास जो बिना बिका माल रह जाता है, जैसे मैंने 100 मोबाइल सेट कंसाइनी को भेजे, कंसाइनी द्वारा 90 मोबाइल सेट सेल कर दिए गए, तो उसके पास बिना बिके मोबाइलों की संख्या है 10। तो 10 की जो गणना की जाएगी किस प्रकार से करनी है हमें, उसके बारे में हमें आज पढ़ेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो किताब का ही आंकी क्वेश्चन हम दो लेते हैं। तो देखिए किताब में क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर के राकेश ने 100 मोबाइल सेट भीलवाड़ा के अनिल को 3000 रुपए प्रति सेट लागत पर भेजे। इसमें कंसाइनर है राकेश, यानी माल का जो स्वामी है वो है राकेश यानी कंसाइनर, और एजेंट है अनिल यानी कंसाइनी। तो 100 मोबाइल सेट भेजने पर कंसाइनर की पुस्तकों में जो जनरल प्रविष्टि होगी वो ये होगी, कंसाइनर द्वारा माल भेजने पर प्रविष्टि की जाएगी कंसाइनमेंट खाते में, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो 100 मोबाइल सेट, एक मोबाइल सेट की कीमत थी 3000, तो 3 लाख रुपए का माल प्रेषण पर यानी कंसाइनमेंट पर भेजा गया कंसाइनी को। इसके बाद कंसाइनर ने माल भेजने पर 2800 रुपए वे किए यानी एक्सपेंसेस किए, खर्चा हुआ कंसाइनर का, तो समस्त खर्चे कंसाइनर जो है कंसाइनमेंट खाते के नाम लिखता है यानी डेबिट करता है, तो उसकी पुस्तकों में प्रविष्टि बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। 2800 रुपए कंसाइनर द्वारा खर्चा किया गया, कंसाइनर द्वारा 2800 रुपए का खर्चा किया गया जो कंसाइनमेंट खाते में हमने लिख दिया है। इसके बाद एजेंट ने, एजेंट को माल प्राप्त होने पर तो एजेंट ने माल को छुड़ाने के लिए 1200 रुपए खर्च किए। जब एजेंट द्वारा खर्चा किया जाता है तो एजेंट की पुस्तकों में उसकी जनरल प्रविष्टि बनती है कि कंसाइनर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, एजेंट ने माल छुड़ाने पर 1200 रुपए खर्च किए। इस 1200 रुपए की प्रविष्टि कंसाइनर की पुस्तकों में भी होगी, तो कंसाइनर कंसाइनमेंट खाते में लिखेगा कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कंसाइनी, कंसाइनी है हमारा अनिल 1200 रुपए। अब कंसाइनर की पुस्तकों में कंसाइनी का खाता भी रखा जाता है, तो कंसाइनी के खाते में हम बाई कंसाइनमेंट अकाउंट ये 1200 रुपए, यहां से कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू अनिल। तो यहां हमने अनिल का अकाउंट बना रखा है यानी कंसाइनर ने, तो उसमें लिख दिया कंसाइनमेंट अकाउंट 1200 रुपए। इसके बाद एजेंट ने 70 मोबाइल नगद बेच दिए 4000 रुपए प्रति मोबाइल के हिसाब से। एजेंट द्वारा माल बेचने पर प्रविष्टि एजेंट की पुस्तकों में एजेंट करेगा बाय कैश 70 मोबाइल सेट 4000 रुपए प्रति सेट की दर पर, यानी 2,80,000 रुपए का माल नगद बेच दिया। एजेंट ने 20 मोबाइल उधार विक्रय किए हैं, तो बाय डेटर, तो 20 मोबाइल सेट, एक मोबाइल 4200 रुपए में उधार बेचा है, तो टोटल उधार माल बेचा 84,000 यानी 84,000 रुपए का। इसके बाद एजेंट ने प्रति मोबाइल 20 रुपए विक्रय वे 25 रुपए किया, तो टोटल मोबाइल एजेंट ने 90 मोबाइल सेट बेचे हैं।
90 है मोबाइल बेचे, एक मोबाइल को विक्रय करने पर उसका खर्चा हुआ 25 रुपए, तो टोटल 2250 रुपए एजेंट के खर्चा हो गया। एजेंट द्वारा जब खर्चा किया जाता है इस संबंध में परिष्टि बनाई जाएगी। कंसाइनर अकाउंट DR2 कैश 2250 रुपए। इस 2250 की एंट्री कंसाइनर की पुस्तकों में भी की जाएगी। तो कंसाइनर कंसाइनमेंट खाते के डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट DR2 अनिल, क्योंकि अनिल को पे करना है, देना है 2250। अब एजेंट ने माल जो बेचा था उसकी भी यहां प्रविष्टि होनी है, तो यहां लिखा जाएगा बाई अनिल। तो एजेंट ने हमारा टोटल माल बेच दिया था 2,80,000 रुपए का, तो नगद बेचा था और 84,000 का उधार, तो टोटल माल एजेंट ने हमारा माल बेच दिया 3,64,000 का। तो 3,64,000 रुपए हम एजेंट के नाम लिख देंगे और कंसाइनमेंट खाते की बिक्री है तो कंसाइनमेंट खाते में जमा कर देंगे। इसके बाद एक एंट्री और रहेगी, 2250 रुपए जो प्रति मोबाइल एजेंट ने खर्चा किया था, तो कंसाइनर की पुस्तक में उसकी भी एंट्री होनी है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2250 रुपए। ये 1200 रुपए तो उसने माल छुड़ाने से संबंधित है और 2250 रुपए विक्रय व्यय हुआ एजेंट का बाय 25 रुपए प्रति मोबाइल के हिसाब से। इसके बाद एजेंट को कमीशन दिया जाएगा, तो नॉर्मल जो कमीशन एजेंट को टोटल बिक्री पर दिया जाता है, एजेंट ने टोटल बिक्री की है 3,64,000, टोटल बिक्री पर 6% से, तो एजेंट ने पहले हम कमीशन की गणना करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, नॉर्मल कमीशन कुल बिक्री पर दिया जाता है, तो टोटल सेल्स हमारी है 3,64,000 की, और जिसकी दर है 6% है 6%, तो 6/100, तो ये हम निकालेंगे, तो नॉर्मल कमीशन कुल बिक्री पर आएगा 3,64,000 सामान्य कमीशन कुल बिक्री पर दिया जाएगा, 3,64,000 पर का 6% हमने निकाला 21,840। इसी प्रकार जो डेल क्रेडिट कमीशन है उधार बिक्री पर, तो उधार बिक्री हमने की है 84,000, जिस पर उधार बिक्री पर दर है 3%, तो 84,000 × 3/100 यानी 2520 रुपए उधार बिक्री पर डेल क्रेडिट कमीशन निकाला जाएगा। इस प्रकार टोटल कमीशन आएगा 24,360 यानी 21,840 और 2520, इन दोनों का योग आएगा 24,360। तो ये टोटल कमीशन की एंट्री एजेंट की पुस्तक में सबसे पहले करते हैं, तो एजेंट के लिए इनकम है, तो ये लिखिएगा कंसाइनर यानी राकेश अकाउंट DR2 कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, तो टोटल कमीशन आ गया इसका 24,360 रुपए। इस कमीशन की प्रविष्टि स्वामी यानी कंसाइनर की पुस्तकों में भी होगी, तो वो लिखेगा टू अनिल, वो समस्त खर्चे कंसाइनमेंट खाते के नाम लिखता है, तो टोटल कमीशन 24,360 रुपए। ये तो होगी कमीशन की गणना। इसके बाद एजेंट ने एजेंट के पास हमने 100 मोबाइल भेजे थे, जिसमें से एजेंट ने 70 मोबाइल नगद 20 उधार, टोटल 90 मोबाइल सेल कर दिए, 100 में से 90 मोबाइल उसने सेल कर दिए, उसके पास बिना बिके मोबाइलों की संख्या है 10। 10 की गणना किस प्रकार से करनी है वो हम बताएंगे सब। तो सबसे पहले हमने एजेंट के पास जो माल भेजा है उसका मूल्य क्या है, तो उसका एजेंट के पास माल भेजा 3,00,000 रुपए का माल भेजा था, तो कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक बिना बिके माल का मूल्यांकन, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्रेषण पर भेजे गए माल का मूल्य है 3,00,000 रुपए जो हमने एजेंट के पास भेजा था। अब इसमें प्रेस के समस्त खर्चे जुड़ेंगे, ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बाई राकेश, ये कंसाइनर, कंसाइनर कौन है, राकेश, राकेश
के समस्त खर्चे, तो राकेश ने माल भेजने पर 2800 रुपए का खर्चा किया था, तो टोटल खर्चा हो गया 3,02,800। अब इसमें एजेंट के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी एजेंट को माल को गोडाउन तक लाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस, यानी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं वो हम जोड़ते हैं, तो एजेंट ने इसमें खर्चे किए हैं, एक तो माल को छुड़ाने पर 1200 रुपए का खर्चा किया है और मोबाइल को बेचने पर प्रति मोबाइल 25 रुपए उसका खर्चा हुआ है, लेकिन वो तो सेल्स से संबंधित है, विक्रय से संबंधित है, इसलिए उसको हम शामिल नहीं करेंगे। एजेंट का जो गोडाउन का किराया है या बिजली वे है या मोबाइल बेचने से संबंधित खर्चे, वो शामिल हम नहीं करते। सिर्फ माल एजेंट द्वारा माल को गोडाउन तक लाने के लिए जितने भी वे होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इसने जैसे माल को छुड़ाने पर 1200 रुपए खर्च किए, तो यहां हम 1200 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां जो माल की जो टोटल कॉस्ट है वो ज्ञात करते समय इसको हम जोड़ेंगे, तो टोटल कॉस्ट आ गई 3,04,000। प्रेषण पर भेजे गए माल की कुल लागत आ गई 3,04,000। अब हमारे पास जो बिना बिके मोबाइल है वो है 10, तो उसकी गणना देखो, तो टोटल कॉस्ट है हमारी 3,04,000, इसका फॉर्मूला है अनसोल्ड स्टॉक बराबर, तो प्रेषण पर भेजे गए माल की कुल लागत 3,04,000, टोटल इकाइयां भेजी हमने 100, जिसमें से एजेंट ने बेच दिए 90, तो बिना बिकी रह गई 10, तो अनसोल्ड स्टॉक का जो मूल्य है वो आ गया 30,400 रुपए। यह है अनसोल्ड स्टॉक, तो इसकी एंट्री हम कंसाइनर द्वारा अपने कंसाइनमेंट खाते में, तो वहां लिखा जाएगा बाय अनसोल्ड स्टॉक 30,400 रुपए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो लाभ कितना हुआ कंसाइनमेंट पर, तो टोटल इस साइड का योग आया 3,94,000। कंसाइनमेंट खाते के सीआर पक्ष का योग आया 3,94,400 और डेबिट पक्ष का योग हमने अभी ज्ञात किया है 3,2800, 1,200, 2,250, 2,450, 2,360, इन पांचों मदों का योग है 3,30,610, यानी डेबिट साइड का योग है, तो जो अंतर की राशि है वो प्रॉफिट है, तो हमारा जो पीएनएल ज्ञात हुआ है 63,790। तो इस प्रकार कंसाइनमेंट में हमने जो लाभ निकाल लिया 3,00,000, ये तो टोटल है 3,94,400, हमारा जो लाभ है ये आया निकला 63,790, यानी क्रेडिट का योग 3,94,400, डेबिट का योग 3,30,610, जो लेस किया तो 63,790, तो ये प्रॉफिट आ गया। इसी प्रकार कंसाइनर की पुस्तकों में जो कंसाइनी का खाता हम वो पूरा करेंगे, तो हम 1200 रुपए जो कंसाइनी ने वे किया है, 2250 रुपए विक्रय वे किया है, और जो कंसाइनी को कमीशन दिया था ये रहा 24,360, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 24,360, कंसाइनी द्वारा जो हमारा माल बेचा गया था, यानी कंसाइनर की पुस्तकों में जब कंसाइनी का खाता बनता है तो यहां कंसाइनी के खाते में एंट्री की जाएगी, यानी माल बेचा था उसने 3,2 कंसाइनमेंट अकाउंट, ये बेचा था अनिल अकाउंट या तो कंसाइनमेंट अकाउंट, तो अनिल ने टोटल है 3,64,000 का माल बेचा था, 3,64,000 का माल बेचा था, तो इसके डेबिट पक्ष के योग में से 3,64,000 में से इन तीनों मदों का योग जो है हम लेस कर देंगे, इन तीनों मदों का योग 1,200, 2,250, 2,360, इनका योग आएगा 27,810 आना चाहिए। 3,64,000 की इसने बिक्री की है और कंसाइनी के खर्चे और कमीशन काट कर, तो इनका योग हुआ 27,810। तो अंतर की जो राशि है वो
3,36,190 ये बाई कैश 3,36,190 ये आ गई। कंसाइनर द्वारा कंसाइनर से इतनी राशि का पेमेंट प्राप्त किया जाएगा 3,36,190 इस साइड का योग 3,64,000 इतनी राशि कंसाइनी कंसाइनर को पे करेगा। तो 3,64 ये रहा 3,64,000 1,200 रुपये 2,250 इन तीन को घटाने पर वो सेम राशि आएगी 3,36,190 टू कैश। इसमें क्या होता है कंसाइनर की पुस्तकों में कंसाइनी का खाता और कंसाइनी की पुस्तकों में जो कंसाइनर का खाता बनता है इसमें टू कैश या बाय कैश ये राशि सेम आती है। अब कंसाइनी की पुस्तकों में कमीशन खाता रह गया तो सबसे पहले देखो यहां कमीशन की एंट्री हमने बनाई थी कंसाइनर अकाउंट डी आर टू कमीशन 24,360 की तो यहां कंसाइनर का नाम आएगा बाई राकेश टोटल कमीशन था 24,360 रुपए। अब अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक जो मोबाइल 20 मोबाइल उधार सेल किए थे उसमें से एक मोबाइल का पैसा डूब गया तो कंसाइनी को डेल क्रेडिटरी या प्रीशोध कमीशन मिलता है उधार विक्रय पर तो बेडेट्स की राशि है कंसाइनी द्वारा अपने कमीशन खाते से भरी जाएगी। तो एक जो मोबाइल हमने उधार बेचे थे उनमें एक ही कीमत थी 4,200 रुपए तो ये इसकी एंट्री ये बनेगी कमीशन अकाउंट डी आर टू डेटर डेटर्स एक मोबाइल पे का पैसा डूब गया था 4,200। शेष जो अंतर की राशि है कंसाइनी द्वारा अपने पीएनएल खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो शेष राशि 24,360 में से 24,360 में से एक मोबाइल सेट का पैसा हम लेस कर देंगे 4,200 रुपए तो लेस करने पर 20,160 रुपए पीएनएल खाते में कंसाइनी द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार प्रेषक की पुस्तकों में गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट रह गया और एबनॉर्मल लॉस हुआ नहीं है जो बनेगा नहीं। तो सबसे पहले जो हमने प्रेषण पर माल भेजा था एंट्री देखो आप कंसाइनमेंट अकाउंट या टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट तो यहां बाय कंसाइनमेंट 3,00,000 रुपए का ये खाता छोटे खाते होते हैं 3,00,000। अब इसका शेष अंत में कंसाइनर द्वारा ट्रेडिंग खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है टू ट्रेडिंग अकाउंट 3,00,000 रुपए ये 3,00,000 रुपए। तो हमने आज ये सीखा कि बिना बिके माल का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। जो हमने जो 30,400 निकाला था मेन चीज ये थी ये आज की तारीख में। तो इसके बाद फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि इसमें क्या होता है ये निकालते समय जैसे मैंने 100 मोबाइल भेजे थे अगले ने 90 सेल कर दिए 10 बिना बिके रह गए तो इसमें सबसे पहले प्रेषण पर जो माल भेजा गया था उसका मूल्य है 3,00,000 रुपए जो हमने यहां लिखा था। प्रेषक के सारे खर्चे इसमें जुड़ते हैं रेल भाड़ा फ्लाइट अगर सारे समस्त खर्चे इसमें जुड़ते हैं और एजेंट के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी माल को अपने गोडाउन तक लाने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो जुड़ते हैं। तो एजेंट ने माल छुड़ाया निस्तारण भी उसके हमने जोड़ दिए लेकिन एजेंट का जो गोडाउन किराया है बिजली का है या गोडाउन में रखने के बाद जो वे होता है वो अप्रत्यक्ष व्यय में नहीं जोड़ा जाता। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न पर भेजे गए माल की कुल लागत है 3,04,000। अब देखो अनसोल्ड स्टॉक की गणना करते हैं तो 3,04,000 टोटल इकाइयां थी 100 और बिना बिकी इकाइयां रह गई थी 10 तो इस प्रकार अनसोल्ड स्टॉक का मूल्य आता 30,400 जो हमने यहां लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे।